दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट। काफी सारी न्यूज अपडेट की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो स्मार्टफोन है तो कौन सी चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट करता है, बुक चार्ज, क्विक चार्ज, फास्ट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, कौन सा यहाँ पर जो है आपका स्मार्टफोन चार्जिंग मतलब चार्जर सपोर्ट करता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो निकल के आ रही है इंडियन पुलिस की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल कर लेके आए हैं, जो कि ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पर चलता है। जैसे कि आपने एक स्मार्टफोन मंगाया और आपको मिल जाती है एक साबुन, उसकी जगह पर यहाँ पर इन्होंने किया ये है कि जो अमेज़ोन फिलहाल अमेज़ोन के ऊपर लगे हुए हैं कुछ फेक बॉक्सेज जो हैं उनके अंदर GPS लगाकर, GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर उन्हें यहाँ पर निकाल देते हैं। और जो लोग करते हैं फ्रॉड, जो कि अमेज़ोन की ही टीम के अंदर नीचे से नीचे यहाँ पर हिस्से में जुड़े हुए हैं, जो कि निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से स्मार्टफोन और उसकी जगह कुछ और डाल देते हैं, अब वो GPS के तहत आराम से यहाँ पर पकड़े जाएंगे। तो ऐसे काम करने वाले हो जाइए सचेत और गलत काम करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटफ्लिक्स जो है टेस्टिंग यहाँ पर कर रहा है कि जैसे कि एक मूवी चल रही है उसके अंदर एक बढ़िया सा या कोई भी स्कैन निकल के आया, जैसे कोई फाइट का स्कैन, कोई हिट का, बिट का, जो भी, अगर आपको काफ़ी पसंद आया तो वो पता लगा लेगा ये स्कैन आपको काफ़ी बढ़िया लगा है, वही स्कैन जो आपको एक बार फिर से इंस्टेंट रिवाइंड करके दिखा देगा। तो काफ़ी बढ़िया सा जो है फंडा नेटफ्लिक्स यहाँ पर बना रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर गूगल मैप के ऊपर अब आपको स्कूटर बाइक जो है यहाँ पर लाइन की उसने मतलब पार्टनरशिप यहाँ पर हो गई है गूगल के साथ, तो दोनों मिलकर आपको आपको ये बताएंगे कि आसपास में कौन सी लाइन की बाइक या फिर स्कूटर खड़ा है जिसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतुतु की वेबसाइट से भी कुछ खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं, होनर का जो V20 है वो क्रेन 980 के साथ ही आएगा, ये कंफर्म कर दिया है अंतुतु ने, ये काफ़ी बढ़िया सी बात है, लगाइए लाइक। और सोनी एक्सपीरिया का XZ4 है, ये भी काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन, अब की बार सोनी जो है सुधर गया थोड़ा सा और ऊपर नीचे से जो बेजल मोटी मोटी दिया करता था वो अब काफ़ी कम कर दिए हैं। इसे लगता है कि एक स्टनिंग टाइप या फिर लाइक लुकिंग जो है लेटेस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है सोनी की तरफ से। नेक्स्ट है OnePlus 60, तो यहाँ पर मैकलन एडिसन के साथ जो है लूट मचा रखी है 60 ने, 50,999 रुपये में आप मैकलन एडिसन यहाँ पर ले पाएंगे OnePlus 60, मतलब अच्छी बात नहीं है लूट मचाना। जो नॉर्मल 60 है उसकी प्राइस इतनी नहीं है, बस एक लोगो उसका लगा देंगे और इतने सारे पैसे यहाँ पर फालतू आपसे ले रहे हैं। और सोनी की कुछ नई चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं, 38 मेगापिक्सल का एक सेंसर जो कि IMX607 यहाँ पर निकल के आया है, इसके लीक्स वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं। ये एक फ्लेक्सिप कैमरा सेंसर है जो कि स्मार्टफोन में लगाया जा सकता है और निकल के आएगा Huawei P30 में पहली बार, काफ़ी कमाल की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस की, इसके अंदर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है, 4 कैमरा पीछे की तरफ और 2 कैमरा आगे की तरफ, इतने सारे कैमराज का सपोर्ट जो है एक ही स्मार्टफोन में यहाँ पर मिलने वाला, तो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है ना सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, 6-6 कैमरा का सपोर्ट और काफ़ी बढ़िया से जो है। और जो फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिए गए हैं वो हो सकते हैं कि होल के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर सामने की तरफ दिए जाएँ, मतलब कोई नॉच नहीं, कोई बेजल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बस एक होल के अंदर ही कैमरा आपको यहाँ पर मिलेंगे, अभी रेंडर्स तो यही बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल की, एप्पल भी जो है काम कर रहा है डेवलप करने में खुद का ही सेलुलर मॉडेम जो कि 5G का होने वाला है, तो इससे हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले जो एप्पल के स्मार्टफोन है वो तो काफ़ी मतलब कुछ सस्ते यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मीडिया टेक का हीलियो P90 SoC CPU जो है APU 2.0 के साथ यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर भी है, 48 मेगापिक्सल तक कैमरा सपोर्ट करता है, अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले जो है यहाँ पर MTK ने कोर पायलट टेक्नोलॉजी का यूज किया है इससे CPU के साथ, तो कोर पायलट टेक्नोलॉजी होती दरअसल ये है कि वो अपने आप ही जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करेगी और किस प्रकार से कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से जो है उसको यहाँ पर CPU की गति प्रदान करने वाली है, इससे स्मार्टफोन की स्पीड जो है एकदम से स्टैंडर्ड के यहाँ पर रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बैकग्राउंड में जो मल्टीटास्किंग है वो भी अपने हिसाब से देख लेगी कि 2 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन कितनी एप्लीकेशन की यहाँ पर जगह है, उतनी एप्लीकेशन यहाँ पर रन होने वाली है, बाकी एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग है वो बंद कर देगा, ये टेक्नोलॉजी है। इसरो जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है उसने जो है नया फंडा यहाँ पर शुरू कर दिया है, अब साइंस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चल रहे हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर कुछ रॉकेट्स वगैरह रह जाती हैं, खराब हो जाती हैं, फिर यूज़ नहीं आती, उन्हें रीयूज करने का एक तरीका यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, जिसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर चलाया जा रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो अंतरिक्ष में ही जो है दूसरी रॉकेट वहाँ पर घूम रहा है, जो कचरा जिसे यहाँ पर बोला जाता है उसे फिर से वहीं पर जो है यूज़ करके आगे जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सी बात है। और वीवो भी जो इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 करोड़ रुपये UP के अंदर
वीवो के प्लांट के ऊपर, काफ़ी बढ़िया बात है, 4,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिलेंगी और साथ ही जो है इंडिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। माइक्रोमैक्स भी जो है कुछ यहाँ पर स्मार्टफोन निकाल सकता है 18 दिसंबर को नए स्मार्टफोन के साथ, जो है फिर से यहाँ पर निकल के आ रहा है। लगभग 12,000 रुपये का यहाँ पर एक स्मार्टफोन बताया गया है जो कि माइक्रोमैक्स का यहाँ पर होने वाला है। देखते हैं माइक्रोमैक्स से 12,000 रुपये में कौन सा नया कमाल करता है, क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाला है, कमेंट में बताएं जरूर। और नेक्स्ट है यहाँ पर एप्पल। एप्पल भी जो है अपना नया जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन निकालेगा उसकी प्राइस काफ़ी कम रखने वाला है, क्योंकि उसे पता चल गया अब सैमसंग जो है जीने नहीं देगा। अब सैमसंग को थैंक्स आप बोल सकते हैं, सैमसंग की बदौलत ही जो है अब आने वाले एप्पल के जो स्मार्टफोन है, आईफोन्स वगैरह, वो काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि सैमसंग के जो स्मार्टफोन है, जो कि जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10 वगैरह निकल के आ रहे हैं, वो काफ़ी एडवांस स्मार्टफोन होने वाले हैं, वहीं पर एप्पल जो है अब इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो उसके चक्कर में जो है इसको भी प्राइस ठीक यहाँ पर रखनी होगी। और जियोनी इंडिया जो है ये भी कुछ कर रहा है, जो है F205 था और S11 Plus था, उनको यहाँ पर फिर से निकालने की कोशिश कर रहा है कि फिर से निकालें और फिर से जो है मार्केट में आए। तो यहाँ पर 2-3 फ़ोन हो सकते हैं, F205 और S11 Plus और लाइट कुछ अलग अलग जो है रीलॉन्चिंग करने की सोच रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्या कमाल कर पाता है। और सैमसंग गैलेक्सी जो M20 है उसके अंदर भी जो है 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ ड्यूल रियर कैमरा यहाँ पर दिया जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया सी बात है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपेरा भी जो है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट लॉन्च कर रहा है, ओपेरा एप्लीकेशन के अंदर ही, तो ब्राउजर जो है एंड्रॉयड वाला उसी के अंदर मिल जाएगा आपको एक और ऑप्शन, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वगैरह आप कर पाएंगे जो भी है। देखते हैं कैसा यह चलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर अगर आप करते हैं क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, काफ़ी अच्छा लगेगा, कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।